ईद मुबारक। आपने मुझे कहना था ईद मुबारक। मैं कह रहा हूँ ईद मुबारक। अच्छा ईद मुबारक के लिए ईद मुबारक। ईद ईद मुबारक। ईद मुबारक। आगे बाजी की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम वीरन वीनियो, ईद मुबारक आप सबको। ईद वाले दिन का आगाज़ हुआ हलवा पूड़ी की तैयारी से। तो मैंने यहाँ पे 2 कप लिया मैदा और उसमें मैंने डाला 1 टीस्पून नमक और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाला है कि ये सूजी। तुसी इहदे च 2 ही टेबलस्पून दही दे भी पा लेने ने और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करके और इस तरह पानी के साथ आपने इसको बिल्कुल ना बहुत सख्त ना बहुत नरम, नॉर्मल आटे की तरह आपने इसको गूंद लेना और गूंद के आपने इसको रख देना साइड पे इस तरह से। और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ सेवियों की तैयारी। बटर डाला इसमें, सेवियों को अच्छी तरह हमने भुना, भून भान के बस देखें बिल्कुल उसको करके चंगी तरह भून के, फिर उसमें बॉयल दूध हमने डाल के, फिर कंडेंस्ड मिल्क है ये वाला ये मैंने डाला, एवेपोरेटेड मिल्क है शायद, कंडेंस तो डिफरेंट होता है। थोड़ा सा बटर डाल के इसको मिक्स करके इस तरह से, तो ये देखिए हमारी सेवियाँ बड़ी ज़बरदस्त बनी कि अभी नमाज पढ़ के आना था तो फिर सब ने खाना। ईद मुबारक है नमाज। ओके मम्मा, ये मम्मा पापा मुबारक। आपने मुझे कहना था ईद मुबारक। मैं कह रहा हूँ ईद मुबारक। अच्छा ईद मुबारक। ये फूल है अभी भैया। नो आई कांट टेक दैट। चलो ले लो, अब ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। What is it? ये देखे, ये हमारी ईदी 40 pounds। ये लोग मामा की ईदी। वाओ यानी को दुआ है, यानी ने ईदी लेनी मामा से? Yeah. कितनी ईदी लेनी है? 10 pounds। तो बस ईदी फिर हमने, मुझे भी मिली, अयान को भी, सबको मिली। तो यहाँ मैंने जो आटा जो मैं गुन्या सी पूड़ियाँ दा उसके पेड़े करके इस तरह से इसको मैंने बैग इसके ऊपर लगा के 1/2 घंटे के लिए रख दिया इस तरह से। और यहाँ आपने देखा टमाटर और हरी मिर्चें कटी हुई हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ चने। सीधा मैंने ऑयल में ज़ीरा डाल के, ज़ीरा पता नहीं पाया सी कि नहीं पर पाना सी, मैंने डाल दिए टमाटर, हरी मिर्चें और साथ नमक मिर्च और 2 चम्मच चना मसाला का मैंने डाला और साथ ये फ्राइड अनियन इसमें डाल दिए और वो उत्ते 2-3 2 टिन चनिया दसन ए पा के चंगी तरह भुन के इस तरह से बॉयलिंग वाटर हमने इसके ऊपर डोल देना इस तरह से और बस इसको पकने देना। अब यहाँ पे हो रही है हलवे की तैयारी। तो एक पैन में डाला हमने बटर। यहाँ मैंने एक कौली ली सी सूजी दी, यही एक कौली पा के पानी च उबल दे च उसका हमने बना लिया शीरा। इधर से सूजी को भून के अच्छी तरह से नट्स डाल के उसके ऊपर डाल के, तो साइड से बॉइलिंग वाटर डालना है ताकि थोड़ा हाथ ना सड़ जाए, इस तरह ढकना रख के ना साइड पे। तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से भुना हलवे को तेज़ आग पे और इस तरह से हो गया और एक डिश में निकाल के इसको रख दिया हमने सर्व करने के लिए। बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा बनता है ब्रेकफास्ट। तो पूरियां मैंने कहा मैं एंड पे बनाती हूँ, गरम गरम सर्व करेंगे साथ साथ इसको। तो बस ये देखें इस तरह से पेड़ा करके इसको बेल के हमने, ऑयल जो है ऑयल का टेम्परेचर बस गरम हो, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, ये देखें इस तरह से। और एक चमचे के साथ इसको कमाई जाना है, कमाई जाना है, कमाई जाना है। हाय बार बड़ा मीह पैंदा पिया, जो बारिश होंदी पई है। देखें कितनी सोहनी पूरियाँ फूल गई और बड़ी ज़बरदस्त, ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन रही है हमारी पूरियाँ। तो ये फिर हमने सेकंड वाली डाली तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त फूली। आपने योगर्ट के 2 चम्मच इसमें ज़रूर डालने, बड़ी ज़बरदस्त बड़ी सॉफ्ट बनेगी। तो बस फिर ये हमने सर्व किया इसमें इस तरह से हलवा और क्या कहते हैं उसके साथ चने। तो यहाँ पे मैं गोश्त को धो रही हूँ, तैयारी हो रही है निहारी की शाम के खाने के लिए। तो ऑयल में डाल के मैं बड़ी ईजी निहारी बनाई है, बहुत ईजी, जिसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस ऑयल में डायरेक्ट गोश्त को डाल के उसको भून लेना है और जब इस तरह इतना भूनना है कि ऐसे हो जाए, कोई
15 मिनट भूनना कि उसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो। ये एक पैकेट शान मसाले का निहारी का डाला, ये पूरी एक लैम लेग थी, ठीक है। इसको इस तरह से अच्छी तरह भून के, अगले 10 मिनट भून के फिर इस तरह पानी डाल के रख दिया, कोई 3 घंटे पकदा रहा। और फिर ये देखे मैंने आटे को भून के, एक कप आटे को भून के लई बना के इस तरह से लेटी और मैंने मिक्स कर दी निहारी के अंदर। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी निहारी जो है वो हुई तैयार। बाद में इसके ऊपर लगाया हमने प्याज का तड़का, देसी घी का, और बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी निहारी। आगे से मेहमान आ गया, आप देखें। अंदर बैठ के दे। चले जी अंकल आए, थैंक यू सो मच भाई, हमारे घर आए आज हिना जी के साथ। ईद मुबारक। हाँ जी जी, बाकी बर्थडे लाइबा और मेरा वहाँ लाइबा का सूट मिल जाने। हाँ जी जी, एदे च तेरा भी रंग इंजी आंदा पिया, फिल्टर लगा तुसी एदे च। ये क्या हो रहा है? खाना खारी है, खाना खारी है। ठहर जा तू, है चीजा रेडी करा। ये है रायता, ये रायता है, ये है, ये देखें ये सारी चीजें रेडी करके रखी हुई है हमने। और नान गरम होने हैं अभी, पुलाव बन गया है, ये देखें पुलाव बन गया है जबरदस्त माशाल्लाह। और यहाँ हमारी निहारी भी पक गई है, ये निहारी पक गई। और अब मैं करूंगी नान, नान गरम करेंगे हम। छुरी ढूंढे, छुरी ये छुरी इंजी काट दो, इंजी काट दो पैकेट के ऊपर छुरी फेर दो ना। हर शय तैयार करनी पहले, मजाल है गरम गरम नान निकलने दे विचों, है ले तवा ते बेचारा सड़ सड़ के हाय, इने ते इंजी बर्बाद, इंजी बर्बाद हो जाना पीछे, हाय ये हो जा गरम ही, तू किथे वड़ गया विच प्रोग्राम कठा ही तू हंगरी रख दिता मैं कहनी बस टेबल पे रखने लगी हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ दरवाजा खोलो तो चले जी, गेस्ट आ गए फिर इंशाल्लाह आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी है मेरी बिल्कुल हम भी ठीक ठाक ठाक। कैसी है अगला दिन आगे स्कूल भी स्कूल है ना, हाँ इसलिए फिर वो आना मुश्किल था सबका। यानी
वो पकड़ लो है। अच्छा अच्छा वो इधर बैठे हुए कमरे में नहीं है। नहीं नहीं अंदर ही पाई अंदर ही है। अच्छा अच्छा चले निकाल। बेनजीर कोफ्ते लेके आई है और मैंने अभी ये निहारी देखे बड़ी जबरदस्त बनी है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। निहारी निकालू अब। मैंने जी निहारी इतनी जबरदस्त बनी है ना बड़ी अच्छी बनी है। चले अब हम निहारी देख लो। नरगिसी आंखें कोफ्तों की नरगिसी कोफ्तों की। चले को डिश देना अलमारी दे ना डिशा। ये देखे मैं तो बस ऐसे ही निकालूंगी इसके साथ ही ताकि बार बार निकाल उसमें ना टूटे ना। हाय मैं मर गई। ये की चार्जर ओदे विच दित्ता हां इसको हटा दे। कोफ्ते अंडे ये लाई है कोफ्ते जी। हाय हाय सुट पा छटा इधर दूसरा कहां है। अभी हम बस इतना ही डालेंगे इसमें। ये देखें हमारी निहारी। ये देखें चावलों की रेसिपी मैंने पिछले इफ्तारी व्लॉग में दी हुई है। ये बिल्कुल उसी रेसिपी से बने चावल आप वहाँ देखें। पुलाव पुलाव बड़ा जबरदस्त है। Enjoy the delicious food. हाँ जी जी enjoy। ये देखे कितना जबरदस्त कैसे चावल है खिले खिले। ये देखे जी ये कोफ्ते एंड बेनजीर लेके आए हैं। बहुत आर लुकिंग वेरी नाइस थैंक यू जी। ये चलो इधर इधर जगह बनाओ जगह इधर जगह। निहारी की डीप रही निकल। निहारी भी बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह लग रही है। और ये चिकन पुलाव इधर बेनजीर खड़ी है कैमरा लेके इधर हिना जी खड़ी है कैमरा लेके। तो आपने पतले होना हो तो दो बंदे चाहिए एक कैमरा लेके जिसमें आपको बार बार नजर आएगा कि आप कितने मोटे लग रहे हैं। आप देखे हमने इतना जबरदस्त आज पुलाव बनाया है। ये हमने निहारी बनाई है वो सैलड है। और बेनजीर तुहाडे कोफ्ते अंडे किधर गए। हाँ बेनजीर कोफ्ते लेके आई है वो हम अभी यहाँ पे रखेंगे। और बस हमने थोड़ा सा ही किया है ना। हाँ, नो सही है। हाँ, थोड़ा सा ही हम लोगों ने किया ज्यादा नहीं किया क्योंकि बस मील बैक यही होता है ना। बिल्कुल ताकि हम बहुत ज्यादा फिर खा के तो वो ना हो जाए लेकिन पुलाव बड़ा ही जबरदस्त बहुत जबरदस्त। चले जी खाना खाते हैं अब हम लोग जो बुफे होता है उनका। वैसे ही था ये जरदा मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है सादिया। उन्होंने ईद वाले दिन स्पेशल एक डिब्बा मुझे और एक बेनजीर को दिया और मीठे में अब ये भी खा रहे हैं साथ। ये देखें ये हिना जी और बेनजीर कपड़े देख रही हैं। मेरा थोड़े कपड़े हैं पड़े हुए लॉन के ड्रेसेस। हाँ ये भी ये मैंने बनवाए थे कुछ समर के तो काफी सोल्ड आउट हो गए। कुछ जो हैं वो अभी पड़े हुए हैं। ये पिंक भी बड़ा प्यारा है पर मीडियम और कुछ स्मॉल है कुछ लार्ज है। ये देखा कितना प्यारा ये भी। हाँ हाँ अच्छा बना दो ये भी। हाँ ये लाइबा को दे देना मेरी तरफ से। ईद चल अंकल किधर।